हम लोगों के साथ में है गौरव भाई। What's up? और हम लोग दो दिन हो गया स्टे करते हुए अतिगम्य में, एंड रिजॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे है, हुडले बीच में है। और जो आपने देखा होगा MSK ब्रो यहाँ से ब्लॉग करके गए हैं, तो भाई ने बताया पूरा भीड़ लग गया था यहाँ पे, इवन मैं भी एक ज़्यादा हो जाता है भीड़ लगाने वालों में से। आज है day 3 गोकर्णा में, तो यहाँ पे रिजॉर्ट था हम लोगों का, एंड यस दिस इज माय विस्की, माय वाइफ आज चेकआउट कर रहे हैं, पूरा फैमिली ट्रिप का प्लान था। क्या हुआ, कहाँ जाना है? मैं छोड़ के जाने वाला था क्या? बोला कि इसको बोल के फायदा ही नहीं है, भाग, कोई कुछ करना पड़ेगा। मैं ही दौड़ता हूँ कार की तरफ, ये तो जाएगी नहीं। है विस्की कहाँ छोड़ के चले जाऊँगा तेरे को मैं? नहीं, हम लोग दोनों को दो-तीन घंटे में पहुँच जाओगे। हाँ भाई, यहाँ से सीधा निकलने वाले हम लोग मुर्डेश्वर, तो ट्रिप तो आज का मस्त होने वाला है। मुर्डेश्वर में मैंने जैसे कि देखा था वहाँ पे शिव जी का मूर्ति है बहुत बड़ा, और ट्राई करेंगे वहाँ पे भी अगर ड्रोन शॉट्स अगर ले पाएंगे तो अच्छा है, अदरवाइज वहाँ से जो नेक्स्ट है लोकेशन हम लोग जोग फॉल्स के थ्रू होते हुए जाएंगे। ये है टेंपल का एंट्रेंस, एंट्रेंस बड़ा मस्त बना है, ये देखिए यहाँ पे। तो जो हाईवे था, हाईवे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मुर्डेश्वर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है 2 किलोमीटर्स का, और ये थोड़ा सा बीच के पास जाके पड़ता है। दिस इज सो अमेजिंग गाइस, यहाँ पे जो टेंपल का आर्किटेक्चर है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं थोड़ा सा यहीं से आपको दिखाऊंगा बाहर साइड से, क्योंकि मेरे साथ है विस्की। वहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में शिव जी का पूरा मूर्ति, रात में लाइट लगता होगा तो और भी अच्छा लगता होगा। थोड़ा यहीं से और आगे चल के खिंचवाते हैं फ़ोटो। क्या आर्किटेक्चर है, मतलब एक एक चीज़ डिटेल से अगर आप देखोगे क्लोजली। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा DSLR से कैप्चर करने का, तो जो भी फ़ोटोज़ होंगी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे विकेट राइडर ऑफिशियल, इसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने बाहर से ही ड्रोन शॉट ले लिया क्योंकि अंदर से तो अलाउड नहीं था, लेके जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा रोड है, मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर, थोड़ा बहुत भी यहाँ पे भी थोड़ा सा बारिश हुआ है क्योंकि रोड पे जो मे बी मॉइस्चर की वजह से लग रहा होगा, बट अच्छा है काफ़ी। मेन पास से 2 किलोमीटर है और आगे, इसे मेन रोड से, इसे ड्रोन से मेन रोड से राइट है, इसे ब्रिज से राइट है। ओके, इसे ब्रिज के ऊपर में जो है ना मेन पास है इसे। अच्छा उधर साइड में, ये बैक साइड है, इसे फ्रंट व्यू साइड व्यू है। अच्छा साइड व्यू है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड व्यू है, अभी हम लोग थोड़ा सा रुक के यहाँ पे खाएंगे आइसक्रीम, यही वाली इधर पे शॉप से लिया है। जॉग फॉल्स का जो मेन व्यू है वो यहाँ से रिवर्स अक्रॉस करके देन आगे 2.4 किलोमीटर में है, ऊपर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ वेलकम टू जॉग फॉल्स। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं जॉग फॉल्स का जो व्यू पॉइंट है, तो मेन जो सेंटर व्यू है जो वाटरफॉल्स का, उधर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ए चढ़ गया ये, क्या बात है इसकी। आ जा, नाइस। राइट,
तो ये है मेन व्यू, देख सकते हैं। जॉग फॉल्स कवर कर चुके हैं, अभी जाने वाले हैं वापस बैंगलोर सीधे। यहाँ से दिखा रहा है डिस्टेंस अराउंड 400 किलोमीटर। तो जो जॉग फॉल्स है आपको दिखेगा यहाँ पे, इधर बैक साइड में, तो इस साइड में जॉग फॉल्स था। आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुर्डेश्वर गए, जॉग फॉल्स गए, जॉग फॉल्स में भी ड्रोन शूट लिया, काफ़ी सारे बच्चे आ गए वहाँ पर देखने के लिए। तो रोड थोड़ा सा बीच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि नाइट हो चुका था एंड वो काइंड ऑफ सिंगल लेन हाईवे था, मतलब स्टेट हाईवे, आप जानते ही हैं कैसा होता है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।